नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। दीवार काट कर चोरों ने दिया चोरी को अंजाम, चोरों ने किया लगभग 4,44,000 के बाल पर हाथ साफ। क्या चोर थे, राइफल ले जाने की फिराक में। साढ़ चौकी क्षेत्र के अस्पा गांव में बीती रात चोरों ने 30 सातिर अंदाजे से घर के पीछे से दीवार को पहले काटा और फिर उसी रास्ते से घर में प्रवेश कर गए। घर के तो सभी लोग ऊपर छत पर सो रहे थे, परंतु आसपास के लोगों को भी यह भनक नहीं लगी और वारदात को अंजाम दिया। यहां तक कि कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखे हुए जेवर और रुपए ले गए और घर के लोग सोते रहे। जब राम शंकर यादव ने और परिजनों ने सुबह देखा तो उन लोगों के पैरों तले जमी खिसक गई कि हम सब लोग सोते रहे और दीवार काट कर घर में चोरी हो गई और चोरों ने जेवर वाले बक्से को उसी रास्ते से ले जाकर बाहर खेतों में फेंक दिया और बक्से में रखे लगभग 4,00,000 रुपए के जेवर और 44,000 रुपए ले गए। पीड़ित राम शंकर यादव के कहने के अनुसार उनके घर में लगभग 4,44,000 रुपए की चोरी हुई है और राम शंकर ने बताया कि उनके छोटे भाई के पास एक लाइसेंसी राइफल है और चोर राइफल लेने की फिराक में आए थे और उन्हें राइफल मिली नहीं। सुबह जब राम शंकर ने और परिजनों ने देखा कि घर में चोरी हो गई तब उन लोगों ने डायल 100 पर तुरंत सूचना दी और साढ़ पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मामले की जांच की।